के परेशान ग्रामीण अब बिजली कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों के सामने नतमस्तक हुए ग्रामीण, अधिकारियों के पैर छूते दिखे ये सभी। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। कार्यालय में तीन गांव के ग्रामीण पहुंचे थे, अधिकारियों के सामने झुक गए, पैर छूते हुए नजर आए, मदद के गुहार लगाते हुए नजर आए। चूंकि वो बिजली कटौती से लंबे वक्त से परेशान है पर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब कार्यालय पहुंचे, अधिकारियों से गुहार लगाते दिखे, उनके पैर छूते दिखे। ये तस्वीरें आपके सामने हरदा जिले की। आप सर फोन नहीं उठाते, किसान परेशान हो रहा है, छिपा नहीं रहे वहाँ पर। कोई भी आदमी आपके क्षेत्र में कोई आईडी करने वाला लड़का हो, आप बोलोगा सर। आप मुरैना में रेत माफियाओं पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को खदेड़ा गया, तीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं और मौके से जो आरोपी हैं वो फरार हुए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर चौंधे पुल का ये पूरा मामला है। तो रेत माफिया मौके से फरार हो गए, हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई। रेत माफियाओं का आतंक जो है लगातार जारी है और इसी बीच पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। खरगोन में आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। आचार संहिता लागू होते ही छापेमारी देखने को मिली। मकान से 24 पेटी अवैध बियर जब्त की गई, आरोपी मौके से फरार हो गए। तलाश अभी भी जारी है। भुवन तलाई गांव में छापामार कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में यहां से बियर की बोतलें जब्त की गई। आबकारी विभाग ने ये छापामार कार्रवाई की है। आचार संहिता लग चुकी है और अब ये आए दिन तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसी तरह से छापामार कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। इसी बीच खरगोन की ये तस्वीर जहां पर मकान से 24 पेटी अवैध बियर जब्त की गई, मौके से फरार हो गए जो लोग थे। फिलहाल तलाश जारी है। भुवन तलाई गांव में छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। उज्जैन में धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दरअसल इंश्योरेंस के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई थी और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को पागल बनाते थे और धोखाधड़ी का काम ये किया करते थे। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। साथ ही साथ किन किन से कब कब धोखाधड़ी इन्होंने की है और कौन कौन इनके साथ शामिल है, सभी पहलुओं पर अभी पूछताछ जांच पड़ताल हो रही है। तो लाखों की धोखाधड़ी मामले में ये लिप्त थे। इंदौर में युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार में पड़े लिस्टेड बदमाश ने सुपारी देकर युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने की साजिश रची। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आरोपी किशोर कोरी ने साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर दो लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी और 12 मार्च की शाम को इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने एमआरटीबी अस्पताल के दो सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा था। इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी और एक दिन फ्रिज में रखकर इसे आरोपी को दे दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर दो महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवाया था। फिलहाल आरोपी और दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो लोगों की तलाश अभी जारी है।